गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। 26 अप्रैल उठा है सुबह सुबह, अभी फ्रेश होके ब्रश ब्रश करके फिर कुछ नाश्ता करते हैं। आज जो है वो देखते हैं, बाहर जाते हैं। पहले तो आज सारा जॉब के लिए, पार्ट टाइम के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। कल हमने कई सारे रेज्यूमे डाले हैं, पर ज़्यादातर बोला कि आपको जो है ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो सबकी पी जगह पे जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कुछ नया भी देखते हैं। लैपटॉप खुलाइए, बाकी देखते हैं कहीं बाहर जाएंगे तो बताऊँगा आपको। भी सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जॉब के लिए कर देते हैं। लैपटॉप जो है वो चालू ही है मेरा, यहाँ पे इंडीड पे लिख देने का, जहाँ पे भी आप काम करना है। पार्ट टाइम लोकेशन वोकेशन डाल दो, फिर लग जाओ काम पे। चलिए फिर से निकल गए हैं, वही हाल है। अप्लाई जॉब के लिए करेंगे, ऐसे वैसे घूमेंगे, सभी जगह पे अप्लाई करना है, देखना है कोई रखता है तो, वरना फिर से यही रूटीन। वरना आज तो जो है वो वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकली है, टेम्परेचर है 3 डिग्री, बढ़िया है। घूमते हैं, फिरते हैं, मजे करो, अप्लाई करो। यही है कनाडा। इसी आज जो धूप बहुत अच्छे वेदर है, ऐसा वेदर हो ना तो मज़ा आ जाता है। टोरंटो में ऐसा ही वेदर था, मैं जब लेवर था ना, बाहर निकला था ना तब। ये सारे घर रहा, थोड़ी बहुत ये 2-3 दिन पहले बर्फ गिरी थी, यही है, वरना आज तो बहुत अच्छा वेदर है। तो बस आ गई है, थोड़ी लेट थी तो बैठ जाते इसमें और सीधा पहुँचते कॉलेज। तो अभी जो है वो कॉलेज पे आ गए हैं, दिखा दूँ आपको। पूरा कॉलेज का कैंपस है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है कॉन्फेडरेशन कॉलेज, यहाँ पे सारी बस आती है। फिर जो है वो बाद में पूरा जो है वो कॉलेज का आपको दिखाता हूँ, अंदर कौन सी बिल्डिंग है सारा। अभी एक फ्रेंड आ रहा है तो उसका वेट करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे कल आए थे, ऐसे ही रेज्यूमे जो है प्रिंट करने हैं। तो अभी ये सारे जो इतने रेज्यूमे निकाले हैं 30, तो आज जो ये पूरा बांटेंगे। तो अभी जो है वो फिर से ये मेमोरियल वाली स्ट्रीट पे आ गए हैं, लोई एंड टंगस्टन ऐसा कुछ है। अभी यहाँ से सारे जो है वो एक एक स्टोर में जाके रेज्यूमे बांटते हैं। If you apply to multiple stores, please provide top choice that no. you are looking for. आपने क्या बीजा एक एमडी तो है? वैसे for the store that you have applied to. क्या वेदर है आज का? अगर ऐसा वेदर रोज हो ना मजा आ जाएगा, जबरदस्त है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल तो है धूप निकली है मस्त। यहाँ पे ना पहले सामने गए थे तो उस साइड जाने का कोई रास्ता ही नहीं, फिर वापस से घूम के अभी जाएंगे। यहाँ पे प्लेन्स बहुत निकल रहे हैं,
यहाँ पे एविएशन वाली ट्रेनिंग कुछ सेंटर भी है, हमारे कॉलेज में भी है कोर्स एविएशन ऐसा कुछ। कहाँ पे क्या सर? ये बड़ा वाला स्लीपिंग जायंट बाहर दिख रहा है ये, हाँ इसका नाम जो है वो स्लीपिंग जायंट है, रिवर के उस साइड है। ये कौन सा लेक है? ये लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ा है। फिलहाल तो अभी आगे जाते हैं। जो इधर अंदर गए थे वहाँ पे भी सारा रेज्यूम में डाला तो बताया कि ऑनलाइन है सब, तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन, ज़्यादातर ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है तो वही करना पड़ेगा। हाँ, गैस स्टेशन में भी नहीं थी रिक्वायरमेंट, देखते हैं कहीं तो हो जाएगा। भगवान के साथ है, भगवान साथ में है, कहीं तो लगा देंगे, वरना इसमें किसी में लग जाएंगे। क्या बोल रहे, ऐसे भी चलेगा अपना? थोड़ा बथोड़ा मारना सब आता है। कैसे यहाँ पे ना गाड़ियाँ देखने में मज़ा आता है। टोरंटो में इससे भी बढ़िया बढ़िया गाड़ी थी, एक से एक स्पोर्ट्स कार थी बड़ी, ऐसे ट्रक वगैरह ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ये डॉज चैलेंजर पड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ, ये जीप के पीछे पड़ी है। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम भी एक दिन खरीदेंगे। बस लाइक कर दिए, लाइक करा करो, सब्सक्राइब कर दियो, चैनल को आगे बढ़ाओ, आपका सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ खरीदेंगे। और ये आया यहाँ पे। क्या बोला आपको, कुछ था वो सो? हाँ अबे, उनकी ये अवेलेबिलिटी होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इंडियंस, अगर आप कहीं जगह पे अप्लाई करने गए और वहाँ पे इंडियंस स्टूडेंट या कोई मिला, अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना वो लोग क्या करते हैं कि आपका रेज्यूमे ले लेंगे, ठीक से बात भी करेंगे, फिर जो रेज्यूमे है वो डस्टबिन में डाल देते हैं, देखेंगे नहीं सारा आपके। हाँ हाँ, आपको ऐसा ही लगेगा, अरे भाई हो गया, यहाँ पे तो अपना काम चल गया, जॉब वॉब लग गई, पर वो जो रेज्यूमे है डस्टबिन में डाल देंगे। इंडियंस है ना, वही इंडियंस की मारेंगे। तो इससे अच्छा है ये कैनेडियन वगैरह मिल जाए ना, तो वो ठीक से जवाब भी देते हैं और आपको बोलेंगे अगर रेज्यूमे चाहिए तो। इसका देख लो एक बार, देख लो कनाडा में ऐसी गटर है ये अंडरग्राउंड। यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमें सीधा जाना है, तो यहाँ पे ये लिखा है इस साइड जाना है, पुश बटन, यहाँ पे बटन प्रेस करना है, तो वो हाथ दिख रहा है ना वहाँ पे, वॉक इन का साइन आ जाएगा ऐसे चलने का, फिर जाना है। अभी हम दिखा दे आपको लाइव, हमने बटन दबा दिया है। हाँ, बटन दबा दिया है, अभी साइन, अभी ये जो है वो सीधा जाएगी, फिर जाना है। अभी ये गाड़ियाँ है ना रुकेगी, अभी ये वाली लेन ख़त्म हो जाएगी, फिर जाना है। अभी वॉकिंग साइन आ गया है तो फटाफट निकल लेने का। बीच में स्टॉप हो जाता है मगर चल ले जाने का, ऐसा कुछ बोलते नहीं। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, मतलब कि ये जो चल के लोग जाते हैं ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप जाएंगे तो इंडिया जैसा नहीं है कि वो लोग उड़ा के चले जाएंगे, वो लोग खड़े रहेंगे और अंदर से बोलेंगे ऐसे ऐसे इशारा कर देंगे तो चल के चले जाने का। पहला प्रेफरेंस हमारा होता है। हाँ, बाद में उनका आसू था। शॉप प्लस स्टॉप इन स्ट्रीट, शॉप प्लस पूल स्पा, हाँ वहाँ पे कुछ ही बिल्डिंग दिख रही है पीछे। ये देखो ट्रेन की पटरी है, यहाँ पे ऐसे कोई ये छोटा वाला ही ऐसा होता है और क्रॉस साइन ऐसे लगाए हैं, कोई ऐसे हमारी तरह वो फाटक बटक जैसा कुछ नहीं होता यहाँ, कहीं पे होता है यहाँ पे तो नहीं है। फिर हम जो है उस साइड जाना है, तो यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ पे जाना है,
फिर वो बटन वाला सिस्टम फिर से फॉलो करना है, फिर जाना है जो है यहाँ पे उतरना था इंटरसिटी पे, और वहाँ पीछे अलॉय टंगस्टन पे उतर गए। अभी पता नहीं है, दूसरा ही दिन है बस में गए थे, तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या नाम है इसका मॉल का? इंटरसिटी, इंटरसिटी सेंटर ऐसा कुछ मॉल है। अभी सभी स्टोर पे गए थे, दे रहे हैं अभी, देखते हैं। ये ऊपर आए हैं, नीचे चलते हैं और भी स्टोर में जो है वो जाके आते हैं। तो अभी जो है 3 बजे है, अभी ढूंढ रहे हैं, सभी जगह पर रेज्यूमे डाला है, देखते हैं कहीं से तो आएगा। और अभी ठंड बढ़ गई है, पहले कैसी धूप निकली थी, अभी पूरी जो है ठंड चली गई है, बहुत ज्यादा पवन चल रहा है, बहुत ठंड बढ़ गई है। कनाडा कनाडा करता आ गए, आ जाओ कनाडा। सभी जगह इंडियंस देख के हमें लग रहा है कि हमारा पत्ता कट, समझ लो। क्योंकि वो लोग अगर एक जगह पे हायर होंगे तो ऑब्वियस बात है कि वो अपना ही सोचेंगे ना पूरा पूरा का। ये बोलते हैं कि यहाँ पे कीचड़ वगैरह नहीं है, ये कनाडा में सब है भाई, सब कुछ है, अच्छा है बुरा है सब कुछ है। चल चल के जाने का बस में सभी जगह पे। तीन बज गए हैं, अभी चलते हैं कहीं कॉलेज वॉलेज में जाते हैं या तो फिर घर चले जाएंगे। तो अभी जो सारी जगह पे रेज्यूमे डाल दिया है, तो बस आ गई है, अभी जो सीधा घर जाते हैं, बहुत भूख लगी है आज। अभी ठंडी है चालू हो गई है, अभी जो सन अभी धूप भी नहीं है, बज गए हैं 4:30। अभी सीधा घर जाते हैं और कुछ खाते हैं। ये वाला ऐसा भी बस स्टैंड है यहाँ पे, अभी एक नंबर की बस लगे सीधा घर। तो पूरा दिन घूमे हैं आज फिर से। अगर आपको कोई इंडिया से बोलता है ना कि भाई कनाडा जा, यहाँ जा, सब सेट कर दूंगा, भाई देख के आना, यहाँ पे बहुत जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, नहीं होता ऐसे। अगर कोई बोल के आता है क्या लगेगा कि ऐसे ही लगेगा कि अगर किसी ने बोला तो आपसे बात करेंगे ठीक से, और ठीक है अच्छा, आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे भाई हो गया, अब तो मेरी जो लग गई जॉब लग जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे सब रेफरेंस से चलेगा। मैंने कितना 5-6 दिन हुए, सब कुछ रेफरेंस से चलता है भाई, यहाँ पे रेफरेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। अगर आपके पास काम वगैरह हो गया, आपकी जॉब लग गई, फिर आपको भाई सारे खर्चे निकल जाएंगे ठीक है। अगर काम वगैरह नहीं है, आपको जॉब ढूंढ रहे हो नहीं लग रही है, फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको डिप्रेशन आएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, कोसोगे खुद को कि भाई यहाँ पे मत आना, ये है वो है। पर ट्राई करते रहो, हम भी ट्राई करेंगे, बजरंग बली साथ में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा।
डीमोटिवेट तो क्यों होना है, अभी तो यंग है, बजरंग बली साथ में है, जय श्री राम करके फिर से निकल जाएंगे और जगह पे अप्लाई करेंगे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बस अभी घर जाके पहुंचने वाला है, बस में खाना वाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑनलाइन देखेंगे, अप्लाई करेंगे, कॉलेज यही करना है। बाकी जो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।